लाइक कवाई ने कॉल करके बोला एमसी स्टैन ये कर रहा है वो कर रहा है, तुम समझ रहे हो? तो प्रेशर आ जाता है। एक तो तुम किसी इंसान को वन वर्सेस ऑल कर दो, देन डिस्ट्रॉय कर दो उसकी मेंटेलिटी, फिर उसको मेंटली रिटार्डेड बोल दो, फिर उसको रोने भी मत दो और उसको मौके भी मत दो। इट इट डजेंट मेक सेंस, इट डजेंट। जिसमें ईपीआर बोलता है कि किंग फटे हुए बांस की तरह साउंड करता है, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट इट। और बहुत चीजें यार ऐसी जो एक दूसरे के बारे में बोली गई हैं हसल के टाइम पे भी, कि अगर किंग ये शो जीत जाता भाई मैं तो रैप ही छोड़ दूंगा, दिस ये ईपीआर के वर्ड्स थे। और आज जब मैं ये चीजें देखता हूं कौन किससे क्या बात की है, मैं कैसा हूं वो तो दाई जानता है ना यार, मैं कैसा हूं वो बिगड़ा कभी जिंदगी में। तुम कैसे किसी भी इंसान की बातों में आ जाते हो यार, कि बेला ऐसा है, बेला इगोइस्टिक है, बेला ये है, बेला वो है। दिस फील सो रॉन्ग। मेरे को अभी कितने लोग एमटीवी के अंदर से कॉल करके आज बोल रहे कि ब्रो एमटीवी की कुछ टीम है जो वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि तू शो का पार्ट हो। दैट्स कूल। मैंने गलतियां करी है, मैंने उनको गालियां दी है, तो वो क्यों चाहेंगे कि मैं शो पे